किसी भी गाने का म्यूज़िक निकालना दोस्तों इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप इसको सही तरीके से समझें। एक्चुअल में होता क्या है कि किसी भी गाने के या तो पहले या उसके बाद में जो भी छोटा सा म्यूज़िक आता है, पुराने गाने में हो जाए या नए गाने में हो जाए, वो डेफिनेटली मेन गाने से थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर हम पियानो या फिर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बजाने की दृष्टि से देखें तो। क्योंकि वो जो मेन लीड होती है वो एक लय में होता है, एक उसकी जो पार्ट होते हैं वो आपको समझने में आते रहते हैं क्योंकि आप एक हद तक बजाते बजाते सीख लेते हैं। लेकिन जो म्यूज़िक होता है वो हर बार में बदलता है। एक छोटे से 10 सेकेंड के म्यूज़िक में 2 से 3 इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, फ्लूट भी रहते हैं, संतूर भी रहते हैं, वायलिन भी रहते हैं, तो उससे क्या आपको थोड़ी मुश्किल आती है और आप जल्दी से ग्रिप नहीं कर पाते। 2-3 कारण हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी गाने का म्यूज़िक ढूंढ सकते हैं और अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बजा सकते हैं। कौन से गाने का म्यूजिक है? आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के मैं बजा नहीं सकता एक्चुअल में, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके कि किस प्रकार से आप किसी भी गाने का जो म्यूजिक है वो ढूंढ सकते हो और इन स्टेप्स की मदद से आप बहुत हद तक, मतलब आपको जो पकड़ है वो आ जाएगी। ऐसा नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि हर म्यूजिक सेम होता है, लेकिन जो हर म्यूजिक को बनाने की जो मेथड है वो सेम होती है ना। म्यूज़िक अलग अलग हो सकते हैं, किसी में कोई धीमे ताल में धीमे प्रकार का म्यूज़िक है, फास्ट कवाली में अलग प्रकार का म्यूज़िक है, लेकिन जो पैटर्न होता है वो लगभग 95-99% सेम होता है। समझते हैं। सबसे पहले ढूंढ लीजिए स्केल, किसी आपका जो गाना है वो कौन से स्केल में बज रहा है वो बहुत ही ज़रूरी है आपको जानना। आपका गाना सी शार्प स्केल में हो सकता है, जैसे आई हूँ मेरी ज़िंदगी में मैं सी शार्प स्केल में हो जाता हूँ, या फिर डी, एफ शार्प, आपका जो मेलोडी है वो कोई सी भी स्केल में हो, उसका जो म्यूज़िक है वो उसी स्केल में आपको ढूंढना है और उसी स्केल में वो बजेगा। तो स्केल ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम एक अलग से स्पेशल लेसन बनाएंगे कि गाने का स्केल कैसे ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिर्फ अगर बहुत कम समय में आपको अगर बताऊँ तो किसी भी गाने को सुनिए, उसको हमिंग में लाइए और उसके बाद में मैच करिए एक एक नोट को, आई हो ना 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 आई हो, तो इस तरीके से आप मैच कर कर करके स्केल ढूंढ सकते हो। स्केल एक बार मिलते ही आपका जो लगभग 50% काम है वो हो जाता है, आपको पता चल जाता है इस गाने को इस स्केल में बजाना है। तो ये लाइन याद रखिएगा, जिस गाने को आप जिस स्केल में बजाते हो उसका म्यूज़िक भी उसी स्केल में बजता है, तो आपको जो ढूंढना होगा वो आपका बहुत कम हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा आपके गाने का स्केल कौन सा है। एग्जाम्पल, आई हो मेरी ज़िंदगी में फिर से अगर आते हैं तो इसको मैं अगर सी शार्प स्केल में बजा रहा हूँ, इसी स्केल में होगा। अब जो म्यूज़िक आपको बजाना है उसको बार बार सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके कानों को पता रहे कि आपको क्या बजाना है। अगर आप उसके म्यूज़िक को बार बार सुनेंगे आपको याद रह जाएगा, तभी आप कीबोर्ड के ऊपर सही बजाएंगे। क्योंकि लिरिक्स तो आप याद कर लेते हैं लेकिन म्यूज़िक याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो म्यूज़िक को याद करने के लिए आपको बार बार उसको सुनना होगा, नहीं तो गलत म्यूज़िक अगर आपको याद रहेगा तो आप यहाँ पे गलत बजाएंगे और सही तरीके से आप ढूंढ नहीं पाएंगे। आपको एक्चुअली में कहीं से कॉपी करके नहीं बजाना है, आपको खुद को ढूंढना है। खुद को ढूंढना है तो आपको सही पता भी होना चाहिए कि आपको क्या ढूंढना है, तो इसलिए आप म्यूज़िक को कई मर्तबा सुने और ध्यान से सुने। जैसे आई हूँ मेरी ज़िंदगी में ही, है ना, ये सेकंड लाइन में एक म्यूज़िक आता है ना 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 ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आई हो मेरी जिंदगी कल्याण ठाट में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 सारे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा, मुझे पता चल गया है कि गाने में कौन से नोट्स यूज होंगे, तो म्यूजिक भी वहीं से शुरू होगा। अब म्यूजिक का एक नियम होता है, उसको ध्यान में रखिएगा, किसी भी नए म्यूजिक की शुरुआत उस स्केल के पहले नोट, उसके तीसरे नोट, उसके पांचवें नोट या उसके आठवें नोट से ही होती है। 1 3 5 8 गोल्डन फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा। किसी भी गाने के म्यूज़िक की शुरुआत या तो उसके पहले नोट से होगी या उसके तीसरे नोट से होगी या उसके पांचवें नोट से होगी या फिर उसके आठवें नोट से होगी। इस गाने में 3 से 4 म्यूज़िक है, सबका एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर एक दो गाने और भी देख लेते हैं कि इस जो मैंने रूल बताया उससे मैच होते हैं क्या। जैसे आए हो मेरी ज़िंदगी में पहला नोट तो ये है, तीसरा नोट ये है,
पांचवा नोट ये है और आठवां नोट ये है, देखे ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। अब म्यूजिक की शुरुआत हो रही है इसमें पांच नोट से, ठीक है। अब जो जैसे गाना पूरा होता है तो उसके बाद में बीच का म्यूजिक और बजता है, आप सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, तो ये एक इतना सा बार बजता है, फिर स्ट्रिंग्स में आता है। इसकी शुरुआत भी देखिए कहां से हो रही है, पहले नोट से ही। इसकी फिर वापस आठवें नोट से शुरू हो गई। जैसे अभी गाना चेंज करते हैं, माइनर में आ गई। अब माइनर में है बहारो फूल बरसो, ठीक है। अब इसका पहला नोट ये हो गया, तीसरा हो गया, ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला तीसरा पांचवा आठवां। इसका म्यूजिक ये तो जीता था जिसके लिए गाए, लेकिन म्यूजिक कुल मिला के इसी प्रकार से इसका म्यूजिक है। ये भी जीता था जिसके लिए इसका, हाँ देखिए इसका भी पहले नोट से शुरू है, प्यारा गाना है। तो इस तरीके से म्यूजिक आप पहले नोट से, थर्ड नोट से, फिफ्थ नोट से और आठवें नोट से शुरू कर सकते हो। अब एकदम हम बारीकी डिटेल में हर सॉन्ग में तो नहीं जा सकते, लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताए कि किस तरीके से गाना शुरुआत होता है और किस तरीके से उसका म्यूजिक बजता है। तो म्यूजिक भी आप ट्राई करें, जैसे ही गाना खत्म होता है, गाने का पार्ट खत्म होता है और जैसे ही म्यूजिक की शुरुआत होती है या फिर इंट्रो की शुरुआत होती है, तो जैसे मैंने वीडियो में बताया, सबसे पहले गाने का स्केल ढूंढ लीजिए, उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता चल जाए तो उसके बाद में आप धीरे धीरे आगे चल सकते हैं। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के लिए आपका जरूरी है उस गाने को ध्यान से सुनना। तो उस पर्टिकुलर मेलोडी को ध्यान से सुनिए जिससे आप उसको और बेहतर ध्यान से बजा सके। तो इस पूरे वीडियो में हमने कुछ टिप्स की बात की, कुछ एग्जाम्पल को लेकर कि किस तरीके से आप किसी भी गाने का म्यूज़िक खुद से ढूंढ सकते हो और खुद से बजा सकते हो। आशा है सेम टिप्स को आप अपने किसी म्यूज़िक ढूंढने वाले गाने में प्रयोग करिएगा और एक्सपेरिमेंट कर करके ही बजाइएगा। ऐसा नहीं है इन टिप्स को फॉलो करके एक बार में बज जाएगा, आप बार बार कोशिश करेंगे, कई मर्तबा फेल होंगे, फिर से कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके कान तैयार हो जाएंगे और आप अपने मनचाहे म्यूज़िक को बजा पाएंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार की अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए म्यूज़िक के बारे में तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, हम और बारीकी से गानों का एनालिसिस करेंगे और उसको समझेंगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।